गोल्ड से पर लोगे, पर्ल से टोपाज हो गए, टोपाज से एमराल्ड हो गए, एमराल्ड से रूबी हो गए, और किस तरह आपको क्रेन से डायमंड के रूप में यहां उतारा जाएगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा दोस्तों, कभी नहीं पता चलेगा। थैंक यू। बहुत सारे दोस्तों का, बहुत सारे जो मेरे साथ में है मेरे नेटवर्क में, सब लोगों का तो नाम पॉसिबल नहीं है, गोपाल राज शर्मा जी, रामकिशन जी, मिस्टर पवन यादव जो मेरा छोटा भाई है जिसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे, मेरे पेरेंट्स, बहुत सारे नेटवर्क में जितने लोगों के मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मुझे ध्यान है सारे के सारे, जितने भी कोर क्लब के जो लोग हैं समथिंग, जितने भी कोर क्लब लगातार हमारे चल रहे हैं, उन सारे लोगों के एफर्ट से, उन सारे लोगों की लगातार मेहनत से, उन सारे लोगों का कंटिन्यू मेरे साथ सपोर्ट देने से दोस्तों ये पॉसिबल हो पाया कि 5 साल पहले एक योगेश यादव 1000 रुपए के लिए तरसता था, आज वही योगेश यादव इस बिजनेस की वजह से दोस्तों पिछले महीने 656,000 रुपए इस बिजनेस से कमाया है, पिछले 1 महीने के अंदर दोस्तों 656,000 रुपए। थैंक यू। जहां पे मेरे पापा जी का सपना होता था कि 10,000 रुपए मैं महीना कमाऊं, लेकिन इस बिजनेस की वजह से दोस्तों आज एक आरएएस और आईएएस जितना पैसा महीने का कमाता है उतना योगेश कुमार यादव सिक्योर लाइफ की वजह से, गुरु लोगों के आशीर्वाद से टैक्स देता है दोस्तों। दैट इज पावर ऑफ सिक्योर लाइफ। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस की। थैंक यू। देखिए, ताली बजाने से काम चलेगा नहीं, बात समझने की कोशिश करें। आप लोग यहाँ बैठे हैं अपनी कुर्सी पे, मैं यहाँ पे आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं अपने बारे में बताता जा रहा हूँ, मुझे पता है ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, बट उसके बावजूद मैं आप लोगों के सामने कुछ 4-5 कमिटमेंट करवाना चाहूंगा, क्योंकि बहुत दूर से आप लोग यहाँ आए हैं, प्रॉपर जयपुर का यहाँ कोई आदमी नहीं है, बहुत कम लोग होंगे, लेकिन आप लोगों से मैं कुछ वादे चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये चाहूंगा, क्या आप वास्तव में डायमंड बनना चाहते हैं? देखो बॉस, 2009 शायद आपने इसमें क्लिपिंग में भी देखा था, मेरा 2300 का नेटवर्क था सिर्फ, 2009 14 नवंबर जब देवेंद्र शर्मा जी डायमंड बने थे दोस्तों, बहुत सारे लोग उस भीड़ का हिस्सा थे, बहुत सारे लोग आप ही की तरह यहाँ पे स्टेज के ऊपर बैठ के ताली बजा रहे थे, लेकिन मैं जब पीछे बैठा था मैंने एक ही कसम खाई थी कि सर 2009 में आप डायमंड बने हैं, योगेश कुमार यादव यदि असली जलवीर सिंह की औलाद हुआ 2010 के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सारा जिंदगी के अंदर, ये वादा दोस्तों अपने आपसे किया था। थैंक यू। और दोस्तों लगातार कंटिन्यू एफर्ट, कोई एक्सक्यूज नहीं, बहुत सारी शादियां आती हैं, बहुत सारे भाई दोस्तों के, बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जिनको हमें खुद को देखना है, हमें इग्नोर करना है या उनमें अपने आप को पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों मैं एक बात समझ के चलता हूँ, लगातार 3-4 साल आज दुनिया में एक जॉब का, मैं सिंपल बात एक समझता हूँ, दो पन्ने ले लो आप, एक लेफ्ट में रखो एक राइट में रखो, जो नौकरी आपको सबसे बढ़िया लगती है, आज मेरी उम्र, हालांकि मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ आप लोगों को, मैं कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि मेरी उम्र आज 24 साल और 6 महीने 24.5 साल का मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं समझ रहा हूँ, और मेरा ड्रीम सिर्फ डायमंड बनना नहीं था दोस्तों, आने वाले आज मैं फिर एक वादा करता हूँ आप लोगों को, यही स्टेज यही वादा है मेरा सर लोगों के आशीर्वाद से, 2011 का सूरज जब छुपेगा योगेश यादव डबल डायमंड बन के दिखा देगा दोस्तों, ये वादा करता हूँ अपने आप से मैं। थैंक यू। थैंक यू। आपको भी सिर्फ यही वादा करना पड़ेगा मेरे साथ में, क्योंकि सिर्फ कोरी ताली बजाने से, चिल्लाने से और हाथ हिलाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो हाथ हिलाए जाते हैं ना, इन हाथों के अंदर मुझे रोना आता है, क्यों? क्योंकि हमारी गरीबी, हमारे परिवार, हमारे मजदूर पिताजी, जहां पे 10-10 हजार रुपए के लिए लोग तरसते हैं, जहां पे आज की डेट में टमाटर खरीदना बड़ा मुश्किल है, आज की डेट में दहेज में मोटरसाइकिल जरूर आ गई लेकिन साला साइकिल पे आज भी सवार है क्योंकि 60-62 रुपए हो गया राजस्थान में पेट्रोल, हो गया कि नहीं हो गया, एक ही तोड़ है। और दोस्तों लगातार गाड़ियां खरीदी, विदेश यात्रा की, सारी चीजें की, मैं बोलता हूं सिक्योर लाइफ ने इतनी पावर दी है दोस्तों, पेट्रोल यदि 1000 रुपए लीटर भी हो गया तब भी कोई तकलीफ नहीं है, गाड़ियों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, यह पावर दिया है दोस्तों सिक्योर लाइफ ने, यह पावर दिया है। अच्छा, एक वादा और करता हूं मैं आपको, अभी मेरा टारगेट था हुंडई i10 गाड़ी मैंने खरीदा था, हुंडई असेंट गाड़ी खरीदा था दोस्तों, नया टारगेट मेरा एक है, हालांकि जनवरी के अंदर मेरा टारगेट था लेकिन उसको मैंने अप्रैल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि नया साल जो लगता है वो 1 अप्रैल से लगता है दोस्तों, 1 अप्रैल को 17 लाख रुपए का होंडा स्विक गाड़ी खरीद रहा हूं, सी करके चलेगा, मजा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, जिंदगी जियो ना तो इंसान की जियो यार, जिंदगी यदि जीना है तो इंसान की जीना है, जानवर की कोई जिंदगी है क्या? गरीबी का नाम नरक है। बहुत सारे लोगों को इस बात पे ईगो भी होगा कि यार अपन तो 20-25 हजार रुपए कमाते हैं, बहुत सारे लोग पर्ल बन गए, बहुत सारे लोग टोपाज बन के ऐसा करते हैं, मैं तो टोपाज बन गया, अभी तो अपन कुछ बने ही नहीं, अभी तो क्राउन बनना है ना यार,
डायमंड का कोई लपड़ा थोड़ी है, ये तो डायमंड शेप का है। तो आज मैं ये जो पट्टा डाला है सर ने, ये तो सिल्वर का डाला है, अभी तो 7 लेवल बाकी है मेरे भाई। क्या आप चलने को तैयार है? क्या आप डिसीजन लेने को तैयार है? दोस्तों लोग विरोध भी करेंगे, मेरा भी किया था। पेरेंट्स लोग आज हमारे साथ यहाँ ताली बजा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 5 साल पहले की बात करके चलता हूं, जैसे कोई चुटकी भर लेता ना नीचे से ऐसे करके, बिदकते थे ऐसे करके। मैं कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। पापा जी बोलते थे सड़े ने बर्बादी के फोरम भर दी, मैं कोई तकलीफ नहीं है। आप ही बोलोगे यार ये तो आबादी के फोरम, आज बोल रहे हैं पापा जी, अरे यार क्या बात, मजा आता है सर ना। अरे यार क्या फर्क पड़ता है बॉस? फर्क इस बात से पड़ता है आप अपनी लाइफ को कितना एंजॉय के साथ जीना चाहते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आज आपके पास साइकिल है तो बहुत जल्दी उस साइकिल को छोड़ के मोटरसाइकिल पे जाना चाहते ही नहीं जाते हैं आप। और यदि आप मोटरसाइकिल पे हैं तो बहुत जल्दी पिछले 25 साल से 20 साल से वो प्लेटिना बिचारी की हालत खराब हुई पड़ी है, उसको बदलना चाहेंगे ही नहीं चाहेंगे, या फिर सर्दी के झपेड़े लेते रहेंगे, या गर्म एकदम हीटर की में या एसी की गाड़ी में घूमना पसंद करेंगे। आज मैं तो बहुत बढ़िया जी रहा हूं दोस्तों, और लगातार ये डिसीजन ही आपने आपने लगातार लेते रहे, लगातार कंटिन्यू, यदि आपने अपने आप से वादा लगातार कंटिन्यू किया दोस्तों, मैं बोलता हूं हर सपना सिक्योर लाइफ के। यहाँ पे आज मैनेजमेंट गुरु यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं सिक्योर लाइफ से। मैं चाहूंगा एक बार सर नटराजन जी के लिए, इंदर जी के लिए और गोपाल जी के लिए, जिन्होंने आके यहाँ पे हमें सार्थक किया, जोरदार तालियां बजाइए दोस्तों, जोरदार तालियां यार भैया, चेक यही बनाते हैं, एक मिनट, थैंक यू सर। लोगों के लिए ताली नहीं बजाओगे तो राजस्थान के अंदर चेकों की हाहाकार मच जाएगी, भैया चेक यही लोग बनाते हैं, जोरदार तालियां बजाओ। थैंक यू। तो क्या आप लगातार चलने को तैयार हैं? लगातार काम करने को तैयार हैं? दोस्तों बहुत सारे एक्सक्यूज आते हैं। अभी मेरे पास फोन आया था, बोला सर मैं आतो जाता, मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई, अब घर जाके देखूंगा उसकी दादी वास्तव में मरी है या ऐसी साला सट्टा मार रहा है वो। फंक्शन वाले दिन, मीटिंग वाले दिन, कुछ ना कुछ, किसी की भैंस ब्याती है, किसी के पाडे मरते हैं, किसी की वाइफ की शादी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आया कि फंक्शन वाले दिन ये प्रॉब्लम क्यों होती है। बहुत सारे एक्सक्यूज दोस्तों लगा सकते हैं। एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बोल दूं, ना करने के 1,00,000 बहाने हैं, ना करने के 1,00,000 बहाने हो सकते हैं, करने का सिर्फ एक मकसद काफी है कि मुझे डायमंड बनना है मेरे दोस्त, मुझे डायमंड बनना है। थैंक यू। अब मैं बात करता हूं इस 5 साल के सफरनामे में क्या क्या तकलीफ मुझे आई, क्या क्या दिक्कतें मुझे आई। मुझे कोई तकलीफ नहीं आई क्योंकि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है, और वो है मिस्टर ग्रेट गुरु मेरे, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी। जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार, जोरदार तालियां दोस्तों, जोरदार तालियां पीछे वाले, जोरदार तालियां, अरे जोरदार तालियां बजा लो, कंजूसी मत करो मेरे भाई। थैंक यू। एक अच्छे इंसान को आप पकड़ लीजिए, एक अच्छे लीडर को आप लोग पकड़ लीजिए, उसकी लीडरशिप में लगातार उंगली पकड़ के कंटिन्यू लगातार काम करते रहिए, आपको खुद को नहीं पता चलेगा कि कब आपका सफर तय हो गया। लेकिन हमारे सामने जो तकलीफ आती है वो क्या आती है, हम बहुत सारे जवान यंग स्टार यहाँ बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो सिक्योर लाइफ में ऑलरेडी ज्वाइन है, एक बार हाथ ऊपर करके दिखाना, ये सारे लोग ज्वाइन आदमी है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों आपको एक मैसेज देना चाहूंगा मैं, जरा ध्यान से समझना उस मैसेज को। आज हम लोग जुड़े हैं इस बिजनेस के अंदर आए हैं, आज हमें लगता है कि हमें हमारे साथ में बहुत जल्दी लोग जुड़ने चाहिए, आज हमें लगता है कि मैं फटाफट से सिल्वर क्यों नहीं बन रहा हूँ, आज मुझे लगता है मैं जल्दी से जल्दी गोल्ड क्यों नहीं बन रहा हूँ, हमें लगता है कि 1 साल के अंदर मैं डायमंड क्यों नहीं बन रहा। 4 लोग जब हमें मना करते हैं, हमें जो ये डायमंड शिप की जो ये बहुत अच्छी तस्वीर है, ये हमें अपनी आंखों से ही धुंधली होती हुई दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारे अंदर जब आदमी ना बोलता है, वो बोलता है नहीं मैं इस काम को नहीं करूंगा, उसके बाद पूरा पसीना निकल जाता है। एक बार ना बोलते ही थोड़ी हल्की सी होती है, दूसरी बार ना बोलते ही आधा दिल जाता है, बोलो यार ये क्या हो रहा है। तीसरी के अंदर, चौथी ना के अंदर तो वो अपने अपलाइन के पास पहुंच जाता है, बोलता है साहब मेरे बस की बात नहीं है, इससे बढ़िया नौकरी है उसी को कर लूंगा मैं। ये तकलीफ जहां देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा, भगवान श्री रामचंद्र को आपने देखा है क्या, किसी ने गाथा सुनी है? देखो यार सारे गांव के आदमी हो तो मेरी यस नो, देखो यदि आपको लग रहा है साहब गड़बड़ है तो मैं रख देता हूं माइक, 5 मिनट में टाइम से देख लेता हूं, 5 मिनट लूंगा सिर्फ और सिर्फ, टोटल 5 मिनट लूंगा, लेकिन प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें मैं बहुत बड़ा मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं। रामायण का पाठ आप लोगों ने सुना है? रामायण के बारे में आप थोड़ा मोड़ा जानते हैं कुछ? जानते हो ना?
भगवान श्री रामचंद्र जब घर से निकले थे, इसमें दो तीन बातें हैं, दो तीन मैसेज में दूंगा इस छोटी सी स्टोरी में, पर स्टोरी नहीं है, एक्चुअल कथा है। भगवान श्री रामचंद्र जब अपने घर से निकले थे तो उनका जो ड्यूरेशन था, समय पीरियड जो था, वो कितने साल का था जंग जीतने का? 14 साल का था ना। वो भगवान होते हुए भी चाहते तो एक सेकंड के अंदर रावण को मार सकते थे, मार सकते थे कि नहीं मार सकते थे, लेकिन एक टाइम प्रोसेस है। उसको पता था आज से 13.5 साल बाद रावण की मौत निश्चित है, तो 13.5 साल तक तो भैया कांटे झेलने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी मौत ही 13.5 साल बाद लिखी है। जब वो आदमी घर से निकला, आप मुझे एक बात बताइए, जब वो भगवान श्री रामचंद्र, एक तो भगवान, दूसरी बात राजा दशरथ जी ने जैसे उनको बोला बेटा जा निकल जा घर से, तो वो राजा होते ही ये नहीं बोल सकते थे, बोला मैं नहीं जा रहा, तुम्हें जाना तो जा, नहीं तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। बोल सकता था कि नहीं बोल सकता था? लेकिन वो गया। जाने के बाद लक्ष्मण जी के साथ हुए, केवट लोग भी गए वहां पे। अब सारे लोग उसको, जब भरत मिलता है उनको वापिस और बोलता है प्रभु आप वापिस चलिए, बताइए इजी वे में आराम से वो वापिस हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे? लेकिन वो नहीं हुए, उनको पता था 13.5 साल का समय अभी बाकी है। दोस्तों जैसे उन्होंने शुरुआत की, पैरों में कांटे भी गड़े, यहाँ तक कि यार इस बिजनेस में जुड़ने के बाद आपकी मदर को, आपकी वाइफ को, आपके फादर को तो कोई उठा के नहीं ले जाता ना, अपने पेरेंट्स लोगों को तो कोई उठा के नहीं ले जाता ना, उसकी तो बेचारे की वाइफ लूट गई थी यार। यस सर नो, थैंक यू। उसके बाद भी वो बोलता है नहीं मुझे डायमंड बनना है, मैं बनूंगा, अभी मेरा टाइम बाकी है। फिर वो थोड़ा सा आगे चलता है, जैसे थोड़ा आगे चलता है उसको अनुमान मिलता है। क्या अगले दिन मिल गया था क्या अनुमान? 10 साल के बाद उसको अनुमान मिलता है और बोलता है सर चिंता नहीं करो, 10 साल में बहुत झापड़ खाए ना तुमने, अब अपने यहाँ पे बैठो, अब तुम्हें हवा की सैर कराता हूं मैं आपको। अब वो रामचंद्र जी को यहाँ बैठाता है और हवा में लेके जाता है। इसका मतलब क्या है? आज आप इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, 4, 5, 10, 15, 20, 50 लोगों से जब आप मुलाकात करते हैं, सारे लोग आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं देते। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग बिजनेस को छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते हैं मिलेगा हनुमान, मिलेगा जो मुझे बिठाएगा और बोलेगा चल तुझे अब डायमंड की सैर कराता हूं। बात समझे कि नहीं समझे? दोस्तों थैंक यू। फिर एक हनुमान मिला, उसके बाद आगे चलते हैं तो सुग्रीव मिलता है, उसके बाद में नल नील मिलते हैं, अंगद मिलता है। टोटल 15 साल के समय पीरियड में रामायण का इतना बड़ा रोल था, रावण को मरने तक का इतना बड़ा रोल था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यदि आप काउंटिंग करने लगोगे पूरी रामायण का, एक एक पन्ना आपने चाट रखा होगा, 15 आदमियों से ज्यादा नाम नहीं मिलेंगे आपको जिन्होंने इतनी बड़ी जंग को जीता। यस और नो? 15 आदमी 15 साल के समय पीरियड को पूरा कर देते हैं। अपना ड्यूरेशन कितने साल का है? कितने साल का है? 5 साल का। और जंग कितनी बड़ी है? बड़ी है छोटी है? अरे काई की बड़ी है यार, इतनी सी जंग है, छोटी सी जंग है। इस छोटे से टाइम पीरियड में, 5 साल के समय पीरियड में आप लगातार काम करते रहो, एक नहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले परसों, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद एक हनुमान मिलेगा जो बोलेगा सर मैं डायमंड बनूंगा। उस एक आदमी के डिसीजन से आप डायमंड बन जाएंगे। ये पावर है दोस्तों इस बिजनेस की, ये पावर है सिर्फ आपके समझने की, ये पावर है सिर्फ आपके समझने की। थैंक यू। उसके बाद आप आगे चलेंगे दोस्तों, मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताता हूं। सन 2001 आदर्श सर, आपने सीनियरिटी फोरम जब भरा था सन 2001 में, योगेश एक छोटा सा बच्चा, इतना सा, न्यू मॉडर्न हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। फ्यूचर विजन, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर कंपनी भग गई तो ये हो गया तो वो हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, बात समझो। इतना सा था मैं सन 2001 में, दांत खोलने से कुछ नहीं होता भाई, समझ ले बात को, बात को समझे माय डियर फ्रेंड। 3 चीजों पे बिजनेस टिका है। सबसे पहले आपको विश्वास यदि नहीं है, भगवान श्री रामचंद्र पाड़ के भी दिखा देगा तब भी तुम डायमंड नहीं बनोगे, विश्वास करना पड़ेगा सबसे पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को विजन यदि नहीं है, आप लोगों को ये लगे नहीं लगेगा कि हाँ बहुत बड़ा पैसा आएगा, मेरा टारगेट डायमंड बनना नहीं है, मैं सिर्फ डायमंड बनने के लिए इस बिजनेस में नहीं आया हूं बॉस, अभी तो दुनिया बाकी है यार। 10,000 चला, हनुमान जी का प्रसाद मिलता है तो पूरा लड्डू भी नहीं मिलता, हनुमान जी का इतना सा मिलता है, मिलता ही नहीं मिलता है, उसको खाते हैं तो ये डायमंड सिर्फ तो छोटा सा प्रसाद है, अभी तो भंडारा बाकी है भाई, बहुत बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन कंपनी खोलती जा रही है, क्राउन भी बनना है, अभी बहुत बड़ी रिकॉग्निशन बाकी है बॉस, ये डायमंड अभी कुछ नहीं है। थैंक यू। विजन यदि आपको नहीं है, दूरदृष्टि यदि आपको नहीं है, यदि आपको यह विश्वास नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, आपको यदि यह विश्वास नहीं है कि लोग मेरे साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। 10 साल
पांच साल छह साल चलने की तो बात छोड़िए, पांच लोगों से हम मिलने का डिसीजन लेते हैं, पांच लोग मना करते हैं, हमें लगता है मेरे साथ कौन जुड़ेगा। मैं बताता हूं कौन जुड़ेगा, एक जुड़ेगा, एक पागल आदमी जुड़ेगा आपके साथ। कब जुड़ेगा मैं बताता हूं। सन 2001 में सरनी सीनियरिटी फोरम भरा था, मैं 2001 में न्यू मॉडर्न हाई सेकेंडरी स्कूल कोटपुतली में इतना सा बच्चा था, शायद मेरे हिसाब से मुझे ये पता भी नहीं था कि सिक्योर लाइफ कोई कंपनी भी है। सर ने उस समय डिसीजन लिया था और सिक्योर लाइफ में काम करना शुरू किया था। उसके छह साल के बाद सन 2006 में मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आया, मेरी उम्र 18 साल की हुई। छह साल पहले मेरी उम्र कितनी थी बताइए, आप बताओ ना, 12 साल का बच्चा। राजीव चतुर्वेदी उस समय फोरम भरते हैं जब एक 12 साल का बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसको लग रहा है कि हाँ वो भी मास्टर बनेगा, लेकिन दुनिया के झपेड़े खाता हुआ, दुनिया के की वास्तविकता को जानता हुआ और दुनिया की सारी एक्चुअल सच्चाई को जानता हुआ, और उसको लगता है कि नौकरी नहीं मिलनी, और छह साल के बाद एक आदमी योगेश कुमार यादव, मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर जी, टिकेंद्र जी को मिलता है, और वो बोलता है, जब वो 18 साल का होता है, आफ्टर 6 ईयर वो आदमी सीनियरिटी फोरम भरता है, वो बोलता है सर मैं डायमंड बनूंगा। अब एक बात बताइए मुझे, यदि राजीव चतुर्वेदी जी और उसके बाद में सर सर और बहुत सारे जितने भी हमारे आदर्श लोग हैं, यदि ये डिसीजन नहीं लेते, यदि इन्होंने विश्वास के साथ काम नहीं किया होता, तो छह साल के बाद बताइए मेरा आना होता क्या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी सुसु कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुसु कर रहे हैं। वो 10 साल के बाद 18 साल के होंगे, यस और नो? ऐसा थोड़ी है यार, आज 5 साल का बच्चा साढ़ा 5 साल का रहेगा 10 साल बाद भी, बड़ा होगा कि नहीं होगा? आज की डेट में उसका बापू मना कर रहा है ना, उससे लड़ाई मत करूं, कोई बात नहीं, उसके बच्चे गिन लो कितने, 1, 2, 3, हाँ 10 साल बाद मिलूंगा बेटा, ये 15, ओके, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके कर लो, थैंक यू। आप लगातार चलते रहेंगे, आप तो डायमंड बन जाएंगे 6-7 साल बाद। अब वो जो लड़का है छोटा सा था, वो थोड़ा और बड़ा हुआ, उसने देखा था बिजनेस प्लान, लेकिन 5-7 साल के बाद जब तुम डायमंड बन के दोबारा उसके घर में जाते हो और उसी को बोलते हो हाँ बस करना चाहिए, बोलेगा मुझे फालतू काम पसंद नहीं। उसका लड़का देखता है, अच्छा 5.5-6-7 साल पहले भी तूने मना किया था, आज भी तू मना कर रहा है, मैं तेरे से मोटरसाइकिल मांगता हूं तो तू साइकिल नहीं देता, तू कर या न मत कर, अपन 18 के हो गए ना, अपन करेंगे। उसका लड़का डिसीजन लेगा, उसका एक बच्चा सीनियरिटी फोरम। मैं एक लड़के की बात नहीं कर रहा, मैं सब उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आज की डेट में 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको दूरदृष्टि अपने आप समझ में आ जाएगी, और एक सेकंड में तो कितने पैदा हो रहे हैं। हे भगवान दुनिया को मत उठाना, मैं तो बोलता हूं 50-50 पैदा करो, अपना फ्यूचर सेफ है, कोई तकलीफ है नहीं, थैंक यू। बताइए क्रांति लगाई गई कि भैया 2 बच्चों से ज्यादा मत करो, 5 से मत करो। आपको मैं एक बात बोलूं, आप करो या ना करो, एडवाइस सबको ये देना, कोई तकलीफ नहीं है, 10 करो 15 करो, तुम्हारी वाइफ के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, अपने को कोई दिक्कत है नहीं। दोस्तों एक बच्चा, छोटा सा एक बच्चा यदि ये डिसीजन लेगा कि मुझे डायमंड बनना है, वो एक अकेला हनुमान आपको अरबपति नहीं खरबपति बना के जाएगा, सिर्फ एक आदमी के डिसीजन की वजह से। तो हम विजन, इस विजन को यदि आपने छोड़ा नहीं, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, 101% आप लोग डायमंड जाएंगे। डायमंड तो बहुत छोटी चीज है दोस्तों। लास्ट में आप लोगों को जाते जाते, क्योंकि मेरे एक साथ एक बीमारी है, अब 5 मिनट का नाम लिया था, अभी 2 मिनट हुई है, आपकी घड़ी में पता नहीं कितनी हुई है, 3 मिनट अभी बाकी है, सुनिए 1 मिनट। आप सारे लोग एक बात के लिए मुट्ठी बांध लें, लोग जुड़े या ना जुड़े, बस रोना आता है जब एक आदमी डिसीजन लेता है 350 रुपए का फॉर्म भर के, 7,500 रुपए का अरेंजमेंट करके डिमांड ड्राफ्ट जमा करा देता है, उसके बाद उस आदमी को लोग मना करते हैं, यार उसके बाद तो तकलीफ क्यों ले रहा है, 7500 जो जाना था वो तो गया ना, वो तो गया कि नहीं, कोई दोबारा थोड़ी छीन रहा है यार, अब तो लगातार 5 साल तक पड़े रहना है, सही बात है कि नहीं है? 5 साल तक लगातार पड़े रहे, लगातार चलते रहे, तो भैया आज लोगों को इस बात का विश्वास है या नहीं कि भैया ये डायमंड जाएगा कि नहीं जाएगा? एक रेलगाड़ी कभी ये नहीं देखती कि भैया अलवर के ऊपर योगेश कुमार यादव ट्रेन में बैठेगा कि नहीं बैठेगा, उसको एक बात पता है, मैं जयपुर से चलूंगी दिल्ली जाऊंगी तो सब लोगों को ये पता हो जाएगा, हाँ भैया एक ट्रेन है जो लगातार चल रही है। अपने आप को चलती का नाम, एक छोटी सी अपने गाँव में एक बात बोलते हैं, चलती का नाम तो गाड़ी है, खड़े का नाम जुगाड़ है, यस और नो? जितने लोग लगातार बिजनेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, जितने लोग लगातार बिजनेस को करते रहेंगे उनका नाम गाड़ी है। जिन लोगों ने फोरम भर दिया, घर पे बैठ गए, वो जुगाड़ है, जुगाड़ों में कोई बैठना पसंद नहीं करता, एक बात को समझ लो अच्छे से।
लगातार चलते रहे, लोग आएंगे। जो लोग आज आपको मना कर रहे हैं, भैया उनको पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको भी बढ़िया बढ़िया मिठाई चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको भी बढ़िया बढ़िया 10-15 लाख की गाड़ियां चाहिए कि नहीं चाहिए, तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार? सबको पैसे का काम बता रहे हैं ना अपन। घबराओ मत, सिर्फ एक बात का डिसीजन ले लो, आपको लगातार 5 साल तक चलते रहना है। क्या आप कमिटमेंट करते हैं? देख अब मेरे तो दम निकल लिए, क्योंकि यार 18, 19, 20, 21 साल का शरीर से लगता है। अब इतना जोर जोर से बोल जरूर रहा हूँ, अपने अंदर हिम्मत नहीं है। आप तो बड़े जवान आदमी है, अब मैं धीरे धीरे बोलूंगा, मेरी हाथों में दर्द हो रहा है। क्या आप 5 साल तक लगातार चलने को तैयार हैं? ऐसे नहीं, बस जोर से दोनों हाथ ऊपर करके बोले, सर 5 साल के बाद तो सड़ा डायमंड बन के आना है। नीचे करने के लिए थोड़ी बोला था यार। देख जितने नीचे करेंगे ना वो डायमंड नहीं बनेंगे। स्टॉप, नीचे नहीं करना। वीडियो वाला भाई ऊपर आके ले, थोड़ा जूम करके लियो, जूम करके शकल देखूंगा 5 साल बाद। खड़े हो क्या बोलो? हाथ ऊपर कर लो। अब चुप 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 चुप, हाथ नीचे नहीं करना, चुप। मेरी ना यार टाइम जा रहा है, मैंने अपनी घड़ी को रोक दिया है, मेरी 5 मिनट अभी बाकी है। जोर से बोल लो एक बार, थैंक यू, हो गया। ओके डायमंड बनेंगे, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड, थैंक यू। तो नाउ प्लीज वेलकम राम किशन यादव फ्रॉम अलवर। जोरदार ताली हो जाए आप सभी की राम किशन यादव जी के लिए। वेलकम इज तालियां हो जाए आप सभी की जोर से। म्यूजिक में थोड़ा गाना चला यार, गाना थोड़ा। राम किशन के लिए भी जोरदार ताली प्लीज। This is राम किशन जी, जल्दी से स्टेज पर। अच्छा राम किशन जी की शादी देखनी चाहिए कि नहीं? राम किशन जी के बारे में एक बात बताता हूँ, कितने साल के होंगे राम किशन जी? है 21 साल के हैं, 21 साल के, और सबसे तेज और सबसे कम उम्र के डायमंड बनेंगे राजस्थान के। जोर से तालियां बजनी चाहिए। पर ये छोटे हैं, इनकी शादी हो चुकी है, इनके डायमंड भी है। जोरदार तालियां। शादी देखते हैं राम किशन जी की, शादी होनी चाहिए कि नहीं? सर लोग भी आए नहीं थे और शादी। देखो बरातियों को दो चीज बजती हैं, खाना और गाना, ठीक है? बजाते रहिए तालियां। तालियां बजा दो, शादी हो गई। चलो दोस्तों ताली तो बजाते रहिए यार।